नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम आईपीसी स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारी आईपीसी का फर्स्ट लेक्चर है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ की जो स्टार्टिंग वाली सेक्शन है उन्हें हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि मैक्सिमम ये सभी लोगों को पता होता है पर फिर भी एक बार हम इसे देख लेंगे तो इसमें ये जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें बताया गया है कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार ये जो संहिता है ये जो एक्ट बना हुआ है उसका नाम क्या होगा और उसका विस्तार कहाँ तक होगा तो इसका आंसर है कि यह संहिता यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा एक आंसर ये मिल गया इसका नाम क्या होगा तो भारतीय दंड संहिता कहा जाएगा फिर दूसरे पे आती है और के साथ क्या है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर होगा देखिए ये बात 370 हटाए जाने से पहले की थी परंतु जब से अपना ये तीन सौ सत्तर आर्टिकल जो हट गया है तो उसके बाद ये संपूर्ण भारत पर लागू हो गई है मतलब अब ये जो संहिता है ये संपूर्ण भारत पर लागू है जम्मू कश्मीर पर भी लागू है आगे देखते हैं सेक्शन सेकंड है वो कहता है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड भारत के अंदर यदि कोई अपराध किया गया है तो उसका दंड कैसे दिया जाएगा तो बताया गया है कि हर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल मतलब यदि कोई भी व्यक्ति हर व्यक्ति व्यक्ति में मतलब कोई भी व्यक्ति आता है इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल मतलब जो एक्ट ये है आईपीसी के प्रतिकूल कोई कार्य या लोप करता है कोई कार्य करता है या लोप करता है जो इस संहिता में नहीं बताया गया है तो वो भीतर दोषी हो गए इसी अधीन संहिता के अधीन दंडनीय होगा अन्यथा नहीं तो वो भारत के भीतर दोषी हो जाए तो क्या होगा तो वो इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा अन्यथा नहीं होगा हो मतलब अगर उसे दंडित किया जाएगा किसी कार्य या लोप के लिए तो उसे कैसे दंडित किया जाएगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा अन्यथा नहीं तो हमें दूसरा आंसर भी मिल गया कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड कैसे दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा आई के तहत दिया जाएगा अब हम सेक्शन थ्री देखते हैं सेक्शन थ्री में बताया गया है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दम यहाँ पे अपराध लिखा हुआ है यहाँ पर अपराध है अपराध की जगह पे हाँ तो इसमें यह है कि भारत से परे अब यदि कोई व्यक्ति भारत से परे मतलब भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारतीय विधि यहाँ पर भारतीय भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र होगा मतलब भारतीय विधि में यहाँ भारतीय विधि में विचारण का पात्र होगा विचारण का पात्र होगा तो भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसकी संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानव वह कार्य भारत में किया गया यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर भी जो भारत का नागरिक है और भारत से बाहर कोई कार्य करता है तो ऐसा माना जाएगा जैसे उसने भारत में ही अपराध किया हो आगे बढ़ते हैं सेक्शन फोर क्या कहते हैं राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार ठीक है अब इसमें बताया गया है भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत से बाहर अब भारत से बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा क्या किया गया भारत में देखिए इसमें पहली ये देखते हैं राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता के विस्तार ये चार चार बताती हैं आगे बढ़ते हैं तो इसमें बताया गया है कि भारत के बाहर तो भारत से बाहर और परे मतलब भारत से बाहर कहीं पर किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी नागरिक द्वारा भारत, कि भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत भारत में यदि कोई रजिस्ट्रीकृत कोई पोत या विमान चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होता है मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है जो भारत का नागरिक है और भारत से परे या बाहर कोई अपराध करता है या भारत में कोई रजिस्ट्रीकृत कोई पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो भारत में हो या भारत से बाहर हो व्यक्ति द्वारा मतलब भारत के नागरिक द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है मतलब आई बी सी कहाँ कहाँ लागू है तो भारत से बाहर कोई व्यक्ति अपराध करता है भारत का नागरिक है और भारत में रजिस्ट्री कि किसी पूत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है ठीक है दो बात हमें मिल गई अब तीसरा कहता है भारत से बाहर और परे किसी स्थान में कोई व्यक्ति भारत के स्थित किसी कंप्यूटर स्त्रोत को लक्ष्य करते हुए अपराध अपराध कारित करता है तीसरी बात इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साधन को लक्ष्य हुए कोई अपराध करता है तो उस पर भी आईपीसी लागू होगी और इसका स्पष्टीकरण इस बताता है कि इस अपराध में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा कोई कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंड नहीं होता इसका स्पष्टीकरण इस बताता है कि इस धारा में ये जो धारा चार है इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत क्या किया है तो अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा कार्य आता है भारत से बाहर किया गया ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो दंड नहीं होता मतलब यदि कोई कार्य ऐसा किया जाता है जो भारत में किया जाता तो दंड नहीं होता तो वो भी इस शब्द के अंतर्गत अपराध शब्द के अंतर्गत आता है आगे बढ़ते हैं इसका एक दृष्टांत है देखते हैं दृष्टांत बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है वह भारत से किसी स्थान में जहाँ वह पाया जाएगा हत्या के लिए विचारित और दूषित किया जाएगा इसमें यह बताया गया है भारत का नागरिक ये जो बात है भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है मतलब किसी और जगह पर भी हत्या करता है तो वह भारत के किसी भी स्थान में जहाँ वह पाया जाए जहाँ वह पाया जाएगा वहाँ पर उसका विचारण किया जाएगा दोषिध किया जाएगा आगे बढ़ते हैं तो हम धारा पाँच में आते हैं कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डालना जाना इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों सैनिक नौ सैनिकों वायु सैनिकों ये जो अधिनियम है अधिनियम की कोई बात किस किस के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी तो भारत सरकार की सेवा के ऑफिसर सैनिक नौसैनिक वायुसैनिक या राज द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंध या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी मतलब ये सैनिक नौ सैनिक सैनिक नौसैनिक पर प्रभाव नहीं डालेगी और विशेष या स्थानीय विधि को ये आईपीसी प्रभावित नहीं करेगी आगे बढ़ते हैं भारतचार संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा हर दंड उपबंध और ऐसी परिभा ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा हमारे जो साधारण बात बताए गए हैं आगे बताए गए हैं पढ़ेंगे हम उन्हें तो साधारण बात के अंतर्गत अध्ययन समझा जाएगा मतलब उनसे परे कोई बात नहीं की जाएगी चाहे उन अब बातों को ऐसी परिभाषा दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो जरूरी नहीं है कि उस चीज को दोहराया जाए आगे बढ़ते हैं ये जो दृष्टांत है ये इतना ज़रूरी नहीं है फिर भी एक देख लेते हैं का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है का जो पुलिस ऑफिसर है वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा था और इसलिए यह मामला उस साधारण अप के अंतर्गत आता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है इसका मतलब ये है कि हमारे साधारण अपवाद हैं उसमें बताया गया है साधारण अपवाद जो आगे बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर विधि की प्रक्रिया के अनुसार किसी को आबद्ध करता है तो वो कोई अपराध नहीं करता तो यदि कोई व्यक्ति जो हत्या करके भाग रहा है और उसे भागते हुए पकड़ वो पकड़ लेता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वह साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है आगे बढ़ते हैं धारा दरअसब देखते हैं एक बार स्पृष्टिगत पद का भाव मतलब एक बार जो शब्द स्पष्टीकरण कर दिया गया है तो उसका मतलब क्या होगा तो हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता में किसी भाग में किया गया है इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा मतलब एक बार अगर वो यूज हो चुका है तो हर जगह उसका वही मतलब होगा जो एक बार किया गया है आगे बढ़ते हैं देखिए दोस्तों इसमें जो मैन मैन सेक्शन होगी हम उन्हें ही ज़्यादा अंदर से पढ़ेंगे आगे पढ़ते हैं तो धारा आठ है धारा धाराट लिंग के बारे में बताते हैं कि पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए जाएंगे वे हर व्यक्ति के बारे में चाहे वे नर हो या नारी सबके लिए यूज़ होंगे चाहे वह नर हो या नारी मतलब जहाँ पे ये बताया जहाँ पे ऐसा कहा जाएगा कि वो व्यक्ति ऐसा करेगा तो करेगा में लड़का भी आएगा और लड़की भी आएगा मतलब नर या नारी कोई भी आ सकेगा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नर आएगा दोनों ही आएंगे जहाँ पे पुल्लिंग वाचक शब्द यूज़ किया गया है आगे बढ़ते हैं धारा नौ की तरफ धारा नौ कहता है वचन अब वचन क्या होंगे वचन को परिभाषित करता है धारा नौ तो धारा नौ कहता है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो जब तक कि कोई बात प्रतिकूल ना हो तब तक, तक क्या समझ तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो एक बचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है एक बचन जो है उसके अंतर्गत बहुवचन भी आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक बचन आता है जब तक कि कोई बात प्रतिकूल ना की जाए आगे बढ़ते हैं धारा दस की तरफ धारा दस पुरुष और स्त्री को परिभाषित करती है पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का गोतक है किसी भी आयु के मानो नर का गोतक किसी भी आयु के मानो नर का गोतक ये बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि लोगों के मन में होता है कि कितने साल का बच्चा पुरुष शब्द के अंतर्गत आएगा अठारह साल का बीस साल का कुछ भी तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो पुरुष शब्द किसी भी आयु मानव नर नर जाति में मतलब नर में आता है तो वह पुरुष के अंतर्गत आएगा और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का होता है जो मानव है नारी है स्त्री के अंतर्गत आएगी धारा ग्यारह देखते हैं धारा ग्यारह व्यक्ति को परिभाषित करती है धारा ग्यारह इम्पोर्टेंट है इसे थोड़ा अच्छे से देखिएगा धारा ग्यारह बताती है कि व्यक्ति के अंतर्गत च्च क्या क्या आएगा धारा ग्यारह में बताया गया है कोई भी कंपनी या संगम पहली बात तो यह है कि कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं कोई भी कंपनी या संगम कोई भी कंपनी या संगम व्यक्ति निकाय चाहे वह निर्मित हो या नहीं व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है आगे बढ़ते हैं धारा बारह की तरफ धारा बारह लोक को परिभाषित करती है कोई लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है लोक में धारा तेरह की तरफ बढ़ते हैं तो धारा तेरह भी नहीं पढ़ना है क्वीन को परिभाषित करती थी निश्चित हो चुकी है धारा चौदह की तरफ आते हैं सरकार का सेवक सरकार का सेवक कौन होगा तो धारा चौदह परिभाषित करती है सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के घोतक है मतलब सरकार का सेवक कौन समझा जाएगा तो सरकार का सेवक कौन होगा शब्द के अंतर्गत सरकार के प्राधिकार के द्वारा सरकार का जो प्राधिकार है सरकार के प्राधिकार के द्वारा अधीन या अधीन भारत के भीतर सरकार के प्राधिकार के द्वारा या सरकार के अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए मतलब बने रहने दिए गए या नियुक्त किए गए किए गए या नियोजित किए गए इसमें तीन चीज़ें आती हैं कि नियुक्त किए गए नहीं नहीं बने रहने दिए गए सरकार के प्राधिकार से या अधीन से उसके किसी भी तरीके से सरकार के तौर पर भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए तीन आते हैं किसी भी ऑफिसर या सेवक का घोतक है किसी भी सेवक या ऑफिसर का घोतक है अब धारा पंद्रह की तरफ बढ़ते हैं धारा पंद्रह निश्चित हो चुकी है ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा थी इसमें धारा सोलह देखते हैं ये भी निश्चित है धारा सत्रह सरकार को बताती है धारा सत्रह बताती है कि सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का घोतक है सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का गोतक मतलब सरकार के अंतर्गत क्या क्या समझा जाएगा तो केंद्र की या राज्य की सरकार आएगी धारा सत्रह बताता है धारा अठारह बताता है कि भारत भारत से जम्मू कश्मीर राज्य की सिवा भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है धारा अठारह कुछ खास जरूरी नहीं है धारा उन्नीस देखते हैं धारा उन्नीस इम्पोर्टेंट है धारा उन्नीस न्यायाधीश के बारे में बताती है धारा उन्नीस कहती है न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है न्यायाधीश शब्द न केवल ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप में न्यायाधीश अभिहित हो ही तो, मतलब न्यायाधीश से केवल उसे नहीं कहेंगे जो न्यायाधीश के रूप में पद पर बैठा हुआ है किंतु उस हर व्यक्ति का घोतक भी है किस किसका घोतक कि है न्यायाधीश के अंतर्गत जो किसी विधि कार्यवाही में पहली बात इसमें निकल कर आती है विधि कार्यवाही में चाहे वह सिविल हो या दंडिक दूसरी बात आती है अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय विधि कार्यवाही में सिविल हो या दंडिक अंतिम निर्णय अंतिम निर्णय सॉरी अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय सॉरी अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके भीतर जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए न्यायाधीश शब्द के अंतर्गत क्या कहा आएगा तो बताया गया है कि केवल पद रूप में यदि कोई व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में बैठा है तो सिर्फ वही नहीं आएगा इसके अंतर्गत जो किसी विधि कार्यवाही में कोई विधि कार्यवाही चाहे वह सिविल हो या दांडिक अंतिम निर्णय ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने पर अंतिम हो जाए मतलब उसने दिया है तो हो जाए अंतिम हो जाए अपील ना होने पर अंतिम हो जाए या जिसकी अपील की गई है तो उस अधिकारी द्वारा अंतिम हो जाए देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त हो मतलब इसके लिए जरूरी है कि विधि द्वारा सशक्त किया गया है आगे बढ़ते हैं दृष्टांत आप लोग देख लीजिएगा इतने कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है धारा बीस में आते हैं धारा बीस न्यायालय को परिभाषित करती है न्यायालय के अंतर्गत क्या आएगा तो न्यायालय उस 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 का जिसकी अकेले ही को न्यायिक या उस न्यायाधीश निकाय का, या उस का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय चाहे निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो गो तक है इसमें कुछ न्यायालय के अंतर्गत क्या क्या आएगा इसमें क्वेश्चन है तो जैसे तो उसके अंतर्गत शब्द उस न्यायाधीश का जिसकी अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया मतलब विधि द्वारा उसे अथॉरिटी दे दी गई है कि तुम न्यायिकता कार्य करो ठीक है या, या उस न्यायाधीश निकाय का उस न्यायाधीश उस निकाय का जिससे एक निर्णय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधेयक द्वारा सशक्त किया गया हो जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो घोतक है मतलब न्यायाधीश और न्यायिक निकाय न्यायाधीश या न्याय निकाय न्यायिकता कार्य कर रहे हैं तो वो न्यायालय के अंतर्गत आएंगे धारा इक्कीस लोक सेवक को परिभाषित करती है लोक सेवक इंपॉर्टेंट है तो आइए देखते हैं लोक सेवक लोक सेवक के अंतर्गत क्या क्या आएगा तो लेख सेवक शब्द उस व्यक्ति की घोतक के जो है तस्वीर पश्चात निम्नवत वर्णनों में से किसी के अंतर्गत आता है आगे देखते हैं पहला निश्चित हो गया है और दूसरा भारत की सेना नौसेना वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर है लोक सेवा में सेना के बारे में बताया गया है दूसरे में तीसरे में बताया गया हर न्यायाधीश जिसके जिस हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो कि न्याय न्याय निर्णय कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है तीसरे में न्यायाधीश के बारे में बताया गया और चौथा न्यायालय के बारे में बात करता है और पाँचवा जो है वो भी न्यायालय के बारे में बात करता है किसी न्यायालय या लोक सेवा की सहायता करने वाला जूरी सदस्य असेसर या पंचायत का सदस्य इसे याद करना पड़ता है फिर भी इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं फिर भी एक बार देखते हैं छठा बताता है हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति मध्यस्थ हो या कोई अन्य व्यक्ति हो जिसका किसी न्यायालय द्वारा किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकार द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चित या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो वो इसके अंतर्गत आता है सातवां है हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो वो भी इसके अंतर्गत आएगा आठवां है सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऑफिसर के नाते कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे अपराधों की इत्तला दे अपराधियों को गिने आए कि उपस्थित यलोक के स्वास्थ्य चिन्ह स्वच्छता की सुरक्षा संरक्षा करे नवा है ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य कि वह सरकार की संपत्ति को ग्रहण करे प्राप्त करे रखे और दसवा है हर ऑफिसर जिसका जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य कि वह किसी ग्राम नगर जिले के कि किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे वगैरह वगैरह आप लोग इसे देख लीजिएगा स्पष्टीकरण भी पढ़ लीजिएगा इसमें याद करने वाला ही है अब धारा बाईस में आते हैं धारा बाईस बताता है जंगम संपत्ति को ये इंपॉर्टेंट है तो जंगम संपत्ति कौन सी संपत्ति होती है संपत्ति दो प्रकार की होती है एक मूवेबल और इमूवेबल तो एक जंगम संपत्ति होती है जैसे हम चल संपत्ति भी कहते हैं तो जंगम संपत्ति जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशय है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है हाँ ये चल नहीं अचल संपत्ति होती है सॉरी जल्दी जल्दी में गलत बोलिए इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों इसके अंतर्गत नहीं आती हैं हाँ मैंने सही बोला था जंगम संपत्ति चल संपत्ति कहलाती हैं जंगम संपत्ति ऐसी सम्पत्तियाँ होती हैं जो किसी भी प्रकार से भूमि से जकड़ी ना हो भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों इसके अंतर्गत नहीं आती हैं बाकी हर चीज़ इसके अंतर्गत आती हैं इसके अंतर्गत मूर्त संपत्ति आती है किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों इसके अंतर्गत नहीं आती धरते इसमें आते हैं धरते इस बताता है सदोष अभिलाभ सदोष अभिलाभ क्या होता है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने का व्यक्ति ना हो सीधी सी बात हम इसमें देखते हैं सदोष अभिलाभ वो होता है सदोष अभिला यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कोई ऐसा लाभ प्राप्त करता है जिसे लाभ प्राप्त करने का वो हकदार नहीं है तो वह सदोष करता है ये कहा जाता है वैसे ही उसका उल्टा है सदोष हानि सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो जो कोई एक व्यक्ति सदोष लाभ प्राप्त करता है तो दूसरे को सदोष हानि होती है जिसका वैध रूप से वो प्राधिकार था तो सदोष हानि उसे कारित हो जाती है सदोष लाभ प्राप्त करना क्या कहलाता है तो सदोष लाभ अभी प्राप्त करना सदोष हानि उठाना कोई व्यक्ति सदोष अभिला प्राप्त करता है कहा जाता है या तब कहा जाता है जबकि वह किसी व्यक्ति सदोष रखते हुए सदोष मतलब दोषपूर्ण तरीके से रखे रहता है और तब भी जबकि वह सदोष अर्जन करता है यदि कोई चीज़ को रखे है या अर्जन किए है या कोई व्यक्ति सदोष आने उठाता है जहाँ तक कि वह उसे यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति को सदोष अलग रखा जाता है तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से वंचित किया जाता है मतलब यदि कोई व्यक्ति है और वह किसी ऐसी संपत्ति से लाभ प्राप्त कर रहा है जो उसकी नहीं है तो वो सदोष अभी लाभ प्राप्त कर रहा है पर जो दूसरा व्यक्ति है जिसका वह हकदार है और उसे उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो उसे सदोष हानि हो रही है उसे वंचित किया जा रहा है उसकी संपत्ति से तो यहाँ सदोष हानि होती है अब चौबीस में बेईमानी से बताया गया है बेईमानी को परिभाषित किया गया है चौबीस में तो बेईमानी क्या होती है चौबीस में बताया गया है कि बेईमानी जो कोई इस आशा से कोई कार्य करता है जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप प्राप्त करे और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि हो वह कार्य को बेईमानी से करता है या कहा जाता है इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक व्यक्ति को लाभ होना चाहिए और दूसरे को हानि हो तो वह सदु सभी लाभ तो वो, तो वो बेईमानी से काम करता है या कहा जाता है यदि वह कोई कोई भी कार्य ऐसा करता है जिससे एक को लाभ होने की संभावना है और उसे लाभ होती है और अन्य को हानि हो जाए तो ये बेईमानी से कार्य किया गया है समझा जाता है धारा पच्चीस में आते हैं धारा पच्चीस कपट पूर्वक को परिभाषित कर, करती हैं कपटपूर्वक कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है यह कहा जाता है कब यदि वह उस बात को कपट करने की आशय से करता है उसका आशय कपटपूर्ण होना चाहिए तभी उसे कहा जाएगा कि वह कपटपूर्ण पूर्वक कार्य करता है अन्यथा नहीं ठीक है छब्बीस में आते हैं विश्वास करने का कारण इंसान को विश्वास करने का कारण कब कहा जाएगा इसको परिभाषित किया गया है तो कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है अब कोई व्यक्ति है कोई व्यक्ति है विश्वास कारण कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण करन रखता है ठीक है यह तब कहा जाएगा कब कहा जाएगा जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है अन्यथा नहीं उसके पास हेतु पर्याप्त होना चाहिए विश्वास करने का तभी कहा जाएगा विश्वास करने का कारण रखता है अन्यथा नहीं दरअसल इसमें आते हैं पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक जबकि कोई संपत्ति है कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त ठीक है व्यक्ति के पास के व्यक्ति की पत्नी लिपिक यह सेवक के कब्जे में है तब यह इस संहिता के अर्थ के अंदर उस व्यक्ति के कब्जे में है यह कहा जाता है यदि कोई संपत्ति है जो उसके सेवक नौकर वगैरह रहते हैं और उसकी बीबी है जो उसके पास यदि कोई संपत्ति रहती है तो ये माना जाता है कि उस पर्सन के पास संपत्ति है उस संपत्ति का मालिक वो आदमी है लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है मतलब लिपिक या सेवक में यह नहीं समझा जाएगा कि वह कितने टाइम से लिपिक या सेवक मतलब सेवक के तौर पे काम कर रहा है वह अस्थाई तौर पर छः महीने चार महीने मतलब कितने भी दिन के लिए वो काम कर रहा है तो उसे समझा जाएगा अस्थाई तौर पर भी है अस्थाई नहीं है अस्थाई तौर पर भी काम कर रहा है तो वह लिपिक सेवक के अंतर्गत समझा जाएगा धारा अट्ठाइस कूटकरण को परिभाषित करती है कूटकरण क्या है जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य ये इंपॉर्टेंट है इसे थोड़ा है। ध्यान से पढ़िएगा जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति एक चीज को किसी चीज़ को दूसरी चीज के सादृश्य मतलब एक जैसा दूसरी चीज के सादृश्य इस आशय से उसका आशय भी होना चाहिए आशय से कि वह उस सादृश्य से प्रवंचना करें कोई व्यक्ति दूसरी चीज के इस आशय से करता है कि वह उस से प्रवंचना करे प्रवंचना में क्या आता है धोखा प्लस क्षति मतलब वो चाहता है कोई व्यक्ति किसी दूसरी चीज को इस आशय से एक जैसे सादृश्य एक जैसा बनाता है सादृश्य एक जैसा बनाता है कि वह प्रवंचना करे मतलब धोखा करे और दूसरे को क्षति हो यह संभाव्य है यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ये द्वारा प्रवंचना की जाएगी वह कूटकरण करता है या कहा जाता है मतलब उसे संभाव्य है कि जो वह कार्य कर रहा है उससे तो। दूसरा व्यक्ति को क्षति और धोखा हो जाएगा तो वह कूटकरण करता है यह कहा जाता है इसके स्पष्टीकरण को देखते हैं स्पष्टीकरण एक कहता है कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसे ही हो ये इम्पोर्टेंट है कूटकरण के लिए नकल ठीक वैसे ही होना इम्पोर्टेंट नहीं होता पर सादृश लगभग एक जैसा होना चाहिए स्पष्टीकरण दूसरा कहता है जबकि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सादृश्य कर दे कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सादृश्य कर दे और सादृश ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है तब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए यह अवधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ के दूसरे चीज़ के इस प्रकार सादृश्य बनाता है उसका असर उस सादृश्य द्वारा प्रवंचना करने का था या वह यह संभाव्य जानता था कि तत् द्वारा प्रवंचना की जाएगी अब पहला वाला तो हमें समझ में आ गया था कि कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसे की जानी चाहिए और दूसरा ये कहता है जबकि कोई व्यक्ति चीज़ को दूसरी चीज़ की सादृश्य कर दे मतलब कोई व्यक्ति है दूसरी चीज़ के एक जैसा बना दे सादृश्य ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंजना हो सकती है मतलब उसने जो दूसरी चीज़ को निर्माण किया है वो ऐसा है कि दूसरा व्यक्ति उससे भ्रमित हो सकता है और वह धोखा खा सकता है तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए मतलब वो उसके विपरीत साबित ना किया जाए वह साबित ना कर दे कि उसने ये प्रवंचना नहीं की थी या उसे पता नहीं था ये अचानक या कुछ भी जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता तो यहाँ उपधारणा की जाएगी यहाँ विधि की खंडनीय उपधारणा होती है यहाँ खंडनी है तो यह उपधारणा की जाएगी क्योंकि अगर वह साबित कर देगा तो खंडन किया जाएगा वरना तो उपधारणा कर ही ली जाएगी उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ की दूसरी चीज के इस प्रकार से बनाता है उसका आशय उस मतलब जिस व्यक्ति ने ऐसी प्रवंचना की थी उसका आशय कूटकरण करने का था अब धारा उनतीस में आते हैं धारा उन्तीस दस्तावेज को परिभाषित करती है दस्तावेज दस्तावेज शब्द किसी विषय का घोतक है जिसके किसी पदार्थ पर अक्षरों अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा किया गया हो जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग उपयोग किए जाने को आशित हो या किया जा सके। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोतक है जो किसी पदार्थ दस्तावेज के अंतर्गत क्या क्या आता है तो दस्तावेज किसी भी विषय का घोतक हो सकता है जो किसी पदार्थ पर अक्षर किसी पदार्थ पर किसी भी पदार्थ पर अक्षरों अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उससे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त मतलब दर्शाया गया है वर्णित किया गया और जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हो यह उपयोग किया जा सके मतलब उस चीज़ को यूज़ किया जा सके दस्तावेज के अंतर्गत आता है यह तत्वहीन है मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं है तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा किस पदार्थ पर अक्षर अंक या चिन्ह बनाए गए हैं मतलब वो चिन्ह अक्षर या प्रकट किया गया है जो चीज़ों को तो ये कोई मायने नहीं रखता कि उसने पत्थर पे लिखा है कि कागज़ पे लिखा है कि कहाँ लिखा है उसको अक्षर अंक या किसी साधन द्वारा उसे प्रकट होना चाहिए तो वह दस्तावेज शब्द के अंतर्गत आता है यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशित है या नहीं या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं ये भी उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कि उस साक्षी को यूज़ किया जा सकता है न्यायालय में या नहीं पर वो अगर कहीं अंकित किया गया है तो दस्तावेज के अंतर्गत आता है दृष्टांत देखते हैं किसी संविधा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्षी के रूप में उपयोग किया जा सकता है मतलब तो संविदा के लिए कोई संविधा हुई है उसके लिए उस दस्तावेज को यूज़ किया जा सकता है तो दस्तावेज है बैंक कार बैंक पर दिया गया चेक दस्तावेज है मुख्तारनामा दस्तावेज है मानचित्र या रेखांक ये सब आप पढ़ लीजिएगा अब उनतीस ए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उनतीस ए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बताता है कि शब्दों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम दो हजार की धारा दो ए की अवधारा एक एक खंड नाम में है इसमें कुछ समझने वाला नहीं है तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही इसके आगे का हम कल से चालू रखेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय बाय